तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गाड़ी 29 का एवरेज दे रही है और गाड़ी का एसी ऑन है, एक पर फैन की स्पीड है और गाड़ी फिफ्थ गियर में है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये फिफ्थ गियर में गाड़ी है और गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हैं कि 50 के अराउंड है। तो ये गाड़ी 7 सीटर अर्टिगा है जो पेट्रोल वेरिएंट में है, जो कि 29 का एवरेज दे रही है, आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम नई वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा माइलेज निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सीख लेते हैं वह कौन सी गलती है जिससे आपकी गाड़ी एवरेज नहीं देती है। बहुत से लोग क्लच को प्रेस करने में गलती करते हैं, तो आपको क्लच को फुल इस तरह से प्रेस करना होता है, तभी आपको गियर को शिफ्ट करना चाहिए। बहुत से लोग क्लच पर कुछ इस तरह से पांव रखकर गाड़ी को चलाते हैं, जब वह गियर शिफ्ट कर देते हैं तब भी ऐसे पांव रखकर गाड़ी चलाते हैं जिससे एवरेज में ड्रॉप मिल सकता है आपको। तो आप अननेसेसरी क्लच पर पांव मत रखिए। तो नेक्स्ट गलती आती है एक्सेलेटर को प्रेस करने की गलती। आप चाहे गाड़ी को जिस मर्जी गियर पे चला रहे हो, आपको एक्सेलेटर को कुछ इस तरह से प्रेस करना होता है, हल्के हल्के से। जब आप अपहिल में गाड़ी चला रहे हो तब आप इसको फुल प्रेस कर सकते हो, नहीं तो ये हल्का हल्का ही आपको एक्सेलेटर को प्रेस करना होता है, ना कि इस तरह से फुल प्रेस करना होता है। अगर आप इसे फुल प्रेस कर देते हो एक्सेलेटर को, तो आपकी गाड़ी में माइलेज ड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट गलती आती है गियर को लगाने की गलती। तो बहुत से लोग कुछ इस तरह से क्लच को प्रेस करते होंगे, फुल क्लच को प्रेस करते होंगे और इस तरह से गियर को पकड़ के गियर को लगाते हैं कुछ इस तरह से। आपको इस तरह से तेज तेज गियर को नहीं लगाना है, आपको इसको बहुत हल्के से गियर को लगाना चाहिए कुछ इस तरह से। इस तरह से फर्स्ट गियर और सेकंड गियर इस तरह से, तो थर्ड गियर इस तरह से और फोर्थ गियर इस तरह से और फिफ्थ गियर इस तरह से। आपको हल्के हल्के से गियर लगाना है जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। अगर आप जोर से गियर लगाते हैं तो इससे भी माइलेज ड्रॉप मिल सकता है आपको। और आपको ये बात को भी ध्यान रखना होता है कि कौन सी स्पीड में आपको कौन सा गियर लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो इससे भी ड्रॉप मिल सकता है आपको गाड़ी की माइलेज में। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि कौन सी स्पीड में आपको कौन सा गियर लगाना है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है कि अगर आप हाई गियर पे चल रहे हैं, जैसे कि अभी मैं फिफ्थ गियर में चल रहा हूँ, तो मेरी स्पीड है गाड़ी की 80-90 और सामने कोई कच्चा रास्ता आ जाता है, तो 80-90 अगर गाड़ी की स्पीड हो तो मैं ब्रेक लगा कर गाड़ी की स्पीड 20 कर देता हूँ। तो अगर तब मैं इस तरह से फोर्थ गियर पे अगर इसको शिफ्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, तो क्लच में से धीरे धीरे पांव हटाकर तब मैं अगर यहाँ से एक्सेलेट करूँगा कुछ इस तरह से, तो गाड़ी के इंजन पर अननेसेसरी लोड पड़ेगा तब, तो गाड़ी की माइलेज अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। तो जैसा कि फर्स्ट गियर की स्पीड लिमिट होती है 10-15 की, और इस तरह से अगर आप गाड़ी को उठा रहे हो फर्स्ट गियर में और गाड़ी की स्पीड 10-15 की होती है फर्स्ट गियर की, और अगर आप 30 पे लेके जा रहे हो फर्स्ट गियर को, तो इससे RPM अप होगा और गाड़ी की जो माइलेज है वह ड्रॉप हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि कितने RPM पर आपको गियर को चेंज करना होता है। तो इसके लिए मैं पहले न्यूट्रल कर देता हूँ गियर को, और फर्स्ट गियर आपको 2000 RPM पर लेके जाना होता है, इससे ऊपर आपको नहीं लेके जाना होता है इसकी स्पीड को। और जैसे ही फर्स्ट गियर का RPM 2000 को टच करे तो आपको सेकंड गियर लगा लेना होता है, और आपको थर्ड गियर तब लगाना होता है जब सेकंड गियर का RPM 1500 को टच कर रहा हो, तब आपको थर्ड गियर लगाना होता है, और फोर्थ गियर आपको तब लगाना होता है जब थर्ड गियर का RPM 1500 RPM को टच कर रहा हो। और अगर फिफ्थ गियर लगाने की बात की जाए तो इसको भी आपको 1500 RPM जब फोर्थ गियर टच कर रहा हो तो आपको फिफ्थ गियर लगा लेना चाहिए, यानी कि कम RPM पर आपको गियर को चेंज करना चाहिए जिससे गाड़ी अच्छा माइलेज देगी। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि गाड़ी के गियर पर कुछ इस तरह से हाथ रखकर गाड़ी चलाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे आपको गाड़ी में माइलेज ड्रॉप मिल सकता है। और अगर आप 80-90 की स्पीड पे गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको विंडोज को क्लोज करके ही गाड़ी को चलाना चाहिए जिससे गाड़ी का माइलेज ड्रॉप नहीं मिलेगा आपको। और जब भी आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को कुछ इस तरह से उठाते हो तो आपको हल्का हल्का ही आपको क्लच को छोड़ना चाहिए कुछ इस तरह से। इस तरह से क्लच को छोड़ने से गाड़ी बंद नहीं होगी, अगर आप कुछ इस तरह से क्लच को छोड़ते हो एकदम से तो गाड़ी बंद हो जाएगी जिससे गाड़ी में माइलेज ड्रॉप मिलेगा आपको। होप आपको पता चल गया होगा कि गाड़ी एवरेज कैसे देती है। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।